रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो और खाने में क्या है। मैं आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद है वो एक शेफ है, अफगानिश के नाम से उनका रेस्टोरेंट भी है, आपकी पहले भी उनसे मुलाकात हुई थी। मैं तारुफ करवाना चाहती हूँ साद भट्टी का, जिनको आप फूडी भट्टी के नाम से भी जाते हैं इंस्टाग्राम पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। साद, आपने हमें बताया था कि वो जो एक फास्ट फूड चेन नहीं होती जिस पे जाके हम नाश्ता कर रहे होते हैं, कुछ मफिन कुछ एग ऐसा कुछ खा रहे होते हैं, उस तरह की मिलती जुलती कोई चीज आप बनाने वाले? और 11 बजे के बाद फिर वो मिलता भी नहीं है। मिलता भी नहीं है। जिनको चाहिए वो 11 बजे के पहले ही जाएं। बिल्कुल। अच्छा मैं आप इसकी बात बताऊं, मैं इतनी कोई बड़ी फैन नहीं हूं उसकी, एंड आई एम श्योर जो साथ बनाएंगे उससे कहीं ज्यादा मजे का होगा। सो वेल, कैसे बनाने वाले हैं आप ये एग, क्या कहना चाहिए, एग बर्गर, ब्रेकफास्ट बर्गर, एग मफिन बोल लें, एग मफिन बोल लें, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आप पटेटो बंस यहाँ पर लेकर आए हैं, वो प्लीज़ बता दीजिए। रिप्लेस किया हम लोगों ने मफिन्स जो कि हर जगह मिलते नहीं है, तो हम लोगों ने इसको पोटेटो बंस से रिप्लेस किया है। ऑल्टरनेट है, चिकन ब्लॉगना है मेरे पास, वो मैं यूज़ करूँगा। एक चॉप्ड है और एक होल है। बटर यूज़ होगा इसमें। मेरी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है, इसमें मैं क्रीम चीज़ ऐड कर रहा हूँ। एग्स हैं, सॉल्ट पेपर और स्लाइस चीज़ है चेडर, और ये हमारे पास एग रिंग्स हैं जिसमें हम लोग कुक करेंगे। मोल्ड है बेसिकली, यानी कि एग्स एंड चिकन एंड चीज़ का कॉम्बिनेशन जो है ना, अभी से आप सोच सकते हैं कितना होलसम और कितना मज़े का होगा। तो आज का नाश्ता तो हमारा डन है, तो साद आप यहाँ पे जो है वो प्लीज़ काम स्टार्ट कर दीजिए। साद ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी ब्रेक पे, और साद ने कहा था कि मैं रेसिपी पे इतना बिलीव नहीं करता जितना मैं बिलीव करता हूँ प्रोसीजर पे, मेथड पे, कि यही तमाम अज्जा अगर आपको दे दिए जाएँ फॉर इंस्टेंस, और आप एक साथ जो है वो सारे ऐड कर दें और आप बोले स्टू बनेगा, तो ऑफकोर्स वो एक अलग सी चीज़ बनेगी जो कि आई एम श्योर अच्छी नहीं होगी। सो एग्जैक्टली इस रेसिपी को कैसे फॉलो करना है साथ से जानते हैं और देखते हैं। अच्छा, हल्की आंच पे? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा आंच नहीं करनी है। सही। मक्खन ग्रीस करेंगे इसको, ठीक है। बल्कि एक काम पहले हम करते हैं, एक हमने टू टाइप्स हमने बनाना है, एक हम एज इट इज डालेंगे और एक को जो है ना हम लोग थोड़ा सा फेंट लेते हैं, ठीक है। सही है, वो ऑमलेट के फॉर्म में। सही है, तो एक को जो है वो ये विस्क करके ऐड कर रहे हैं, एक को एज इट इज ऐड कर रहे हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको अलग से योक मुंह में आती है तो बुरा लगता है, तो फिर आप विस्क कर लें। तो हम आज दो किस्म के बना रहे हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा आपने इसमें सॉल्ट थोड़ा सा ज्यादा हो गया, खैर लेकिन ये हो जाएगा, इतना ज्यादा नहीं है। Right. अच्छा, इसी में हमारे पास चॉप बलोगना है जो हम इसी में ऐड कर देंगे, ठीक है। उफ, इससे इतना मज़े का स्मोकी सा फ्लेवर आता है और इसका एक टच भी जो है ना वो काफ़ी होता है टू एनहांस द टेस्ट। अच्छा, ये हमारा एक एक हो गया, ठीक है। दूसरा अब हम इसको ग्रीस कर लेंगे। बटर, मक्खन हम ऐड कर रहे हैं। जिन लोगों को मक्खन पसंद है, मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि फैट को अगर आप सुबह जो है वो कंज्यूम करते हैं तो इतना बुरा नहीं होता एज़ कम्पेयर टू कि आप रात में बिल्कुल सोने से पहले यू नो खा रहे हो मक्खन जैसी चीज़। मक्खन और नाश्ते का कॉम्बिनेशन इज डिवाइन। अच्छा, अब हम इसके अंदर एग रिंग्स प्लेस कर देंगे, ठीक है। एग रिंग्स रखी हैं ताकि एग आउट ऑफ शेप ना हो। एक बर्गर चेन थी, हम नाम तो नहीं ले सकते, हमारे बचपन की पाकिस्तान की पहली लोकल बर्गर चेन अभी भी है, उसमें मैं देखती थी वो जो एग के साथ बीफ होता था ना वो इतना, इसको ध्यान से डालने कि आपकी जर्दी खराब ना हो, जर्दी खराब टूटे नहीं। सही है, एंड आई थिंक दिस इज द टिप फॉर पीपल जो सोचते हैं कि अंडा थिक कैसे आता है बर्गर में। अच्छा, दिस इज द टिप। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ये कितना अच्छा आपने तरीका यहाँ पे बताया, जो आप कह रहे थे मैं प्रोसीजर पे बिलीव करता हूँ वो हमने देख लिया कि यहाँ पे काइंड ऑफ लाइक स्टीम भी हो रहा है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, और अच्छा कि आपने ढक्कन लगा दिया वरना अभी जो है ना वो अभी थोड़ी देर ऊपर से हर जगह से, क्योंकि इसमें पानी डाल के हम लोगों ने इसलिए छोड़ा ताकि एग जो है ऊपर से स्टीम ह्यूमिड हो जाए, हाँ। स्टीम बन जाए और ऊपर से एग पकना शुरू हो जाए। अच्छा, जो हमने एग एग्जैक्ट डाला था उसको हम हल्का सा सनी साइड रखेंगे ताकि जब बर्गर में थोड़ी सा उसका लिक्विड ऊज हो और तो वो एक अलग से मज़ा आता है उसका, ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है हमारे
अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं और हल्की आंच तो फिर यहाँ पे रखा जा सकता है इसको। नहीं, हम ये अच्छा, हो गए, पक गए हमारे। वाओ, दैट वाज रियली क्विक, कितनी जल्दी ये पक गए हैं, जबरदस्त। अच्छा शेफ, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये टिप आपकी बहुत ही अच्छी है जो मैंने अभी आपसे सीखी है, कि आपने जो है वो पानी ऐड करके एंड देन आपने इसको जो है वो लिड लगा के रखा है। एंड ये ब्यूटिफुल लुकिंग एग, यहाँ पे मैं आपको ये नैपकिन दे देती हूँ, ये ले लीजिए। ये अंडे वाला काम तो हमारा हो चुका है। पटेटो बंस मिल जाते हैं मार्केट में आसानी से, और अगर आपको नहीं मिलते फॉर एनी रीजन, इसको निकालना थोड़ा सा टेक्निकल है। ठीक है, एक इन्होंने जो है वो मिक्स किया है योक को एंड एग वाइट को, और एक जो है वो एज़ अ डिज़ायर। ठीक है, दूसरा वाला भी यहाँ पे निकल रहा है। एंड ऑफकोर्स इन चीज़ों में जो है वो टाइम रिक्वायर्ड होता है। ओ ज़बरदस्त, बटर एंड एग योक, उफ। अब हमने इसको एक प्लेट हमने वो प्लेट आपके पास यहाँ नीचे रखी हुई है। अच्छा, ये नाश्ता करने के बाद 4-5 घंटे तक भूख नहीं लगने वाली फॉर श्योर, विच इज़ अ गुड थिंग। इसको निकाल के प्लेट में डालें, क्योंकि अब हम बर्गर के बन को जो है ना वो प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। और बन में मैं आपको बता दूं कि जो जो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे बताए थे शेफ ने, कि इनके पास जो है वो चीज़ है, बटर है, चीज़ अच्छी खासी मकदार में मुझे लगता है इसमें शामिल होने वाली है। इसको हम साइड पे प्लेस कर देते हैं। आपको एक और पैन चाहिए होगा? जी, मैं अभी लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक और पैन दे देती हूँ। शेफ, आप चूज़ करें कि आपको बड़ा वाला चाहिए या छोटा। स्मॉल वन। स्मॉल वन, ठीक है। यहाँ पे जो है ये पैन आ गया। बन को थोड़ा सा हम ग्रीस करेंगे। ठीक है, फ्लेम ऑन करिएगा। क्या चाहिए आपको? थोड़ा सा बटर डालूंगा। ठीक, उफ, थोड़ा सा आप थोड़े से बढ़ा भी सकते हैं। हमारी एक शेफ है, शेफ शाय, कितना टाइम उन्होंने मसाला पे और हम पे काम किया है, तो वो कहती हैं फैट इज़ फ्लेवर, तो आई थिंक मक्खन के बारे में इट इज़ ट्रू। ठीक है, मक्खन है, पोटैटो बन है, एग यहाँ पे फ्राई हो गया। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है इसकी क्या है, कि वही चीज़ें हैं शेफ जो घर में इजीली, हाँ इजीली आराम से, हाँ। सब लोग कॉटेज चीज़ और चेडर चीज़ के स्लाइस घर में यूज़ कर रहे होते हैं, क्रीम चीज़ घर में यूज़ कर रहे होते हैं। पोटैटो बन नहीं मिलता तो आप नॉर्मल बन में बना लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। वैसे इंग्लिश मफिन जो है वो ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि जो मशहूर रेस्टोरेंट जिसकी आप बात कर रही थी वो लोग मफिन यूज़ कर रहे होते हैं, जिसके लिए आप काफ़ी जगहों पे गए आज सुबह सुबह और आपको नहीं मिला इंग्लिश मफिन। सही। अच्छा, मक्खन एक ऐसी चीज़ है कि लोकल मुझे लगता है जो ब्रांड्स का हमें मिलता है ना वो बहुत अच्छा है। आई नो वो जो एक महंगा वाला हम लेते हैं एल्स, उसका नाम स्टार्ट होता है, वो शेफ इतना महंगा हो गया है टैक्स लगने के बाद, कि वो तो लगता है कोई मतलब कोई स्पेशल ओकेजन आएगा तो वाला मक्खन खाएंगे, बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। जितने भी हमारे लोकल ब्रांड्स हैं बहुत अच्छा जो है वो बटर बना रहे हैं। आपका क्या ख्याल है लोकल ब्रांड्स को? मैं तो कहता हूँ, अब जाहिर है महंगाई जिस तरह बढ़ रही है हमारे मुल्क में, तो लोकल ब्रांड्स को सपोर्ट करें ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, बिल्कुल। बाहर की चीज़ों से ज़्यादा बेहतर है लोकल ब्रांड्स को ही आप सपोर्ट करें। और एक अच्छी बात ये होती है शेफ कि वो फ्रेश ज़्यादा होते हैं। और एक और चीज़, आपने बटर की बात की, मैं आपको चीज़ की बताता हूँ। चीज़ हमारे लोकल जो है ना इतने ज़्यादा ब्रांड्स हैं नहीं, और कंपटीशन जो है वो बाहर के ही ब्रांड्स के ऊपर है। लोग जितने भी रेस्टोरेंट, क्योंकि मैं रेस्टोरेंट फील्ड का हूँ तो मुझे पता है, जितने भी रेस्टोरेंट्स वाले हैं वो कोशिश करते हैं कि हमें इम्पोर्टेड चीज़ मिल जाए। तो हम अभी तक कोई ऐसा ब्रांड बना नहीं सके लोकली जो चीज़ जो है वो रेस्टोरेंट्स को दे सके, अच्छी क्वालिटी की जो उनको यूज़ करनी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे लोकल ब्रांड्स, मगर आप सही कह रहे हैं कि उस लेवल के और उस तरह से बल्क में वो नहीं देते, कम है। हाँ, कम है। और मोज़रेला चीज़ मुझे लगता है कि अभी ज़रा हमें गेम ऑन करने की ज़रूरत है मोज़रेला चीज़ में। हलूमी और कॉटेज तो हम कर रहे हैं, कॉटेज तो कर रहे हैं, वो बहुत लोग कर रहे हैं अभी वो, लेकिन कम है। हाँ, कम है। उफ, मक्खन में पोटैटो बन, यानी कि ये आप खाएंगे नाश्ते में, फिर आप 2 घंटे वॉक करेंगे, कैलोरीज बर्न करेंगे, उसके बाद आप भले लंच स्किप कर दें। हाँ बिल्कुल, लंच स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम इसकी प्रिपेयर कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये अब हमारे पोटैटो बन पे, इस पे यहाँ पे इसको हम डालते हैं। ये हमारी क्रीम चीज़ है, हम इसके ऊपर क्रीम चीज़ को
स्प्रेड कर देना। मैम मुझे थोड़ी सी हेल्प कीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल बताइए। आपने इसको साइड चेंज करनी है, बस आप साइड चेंज करनी है। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, इसमें दो तीन ऑप्शंस हैं। आप क्रीम चीज़ यूज़ कर सकते हैं, आप गार्लिक मेयो यूज़ कर सकते हैं, और आप आयुली भी यूज़ कर सकते हैं। आपको आयुली क्या पता? हाँ, बिल्कुल आयुली। आयुली अगर किसी को बनानी नहीं आती तो मैं उसकी रेसिपी आपसे शेयर कर लेता हूँ। आप गार्लिक के दो क्लोव्स ले लें, आप उसके अंदर 2 टेबल स्पून लेमन जूस डाल लें, आप उसके अंदर जो आपका होता है ऑयल, आप ऑलिव ऑयल ले लें वो, लेकिन उसके थिकनेस के ऊपर होता है कि आप उसको ब्लेंड जब कर रहे हैं तो ऑलिव ऑयल उसकी हिसाब से, उसी क्वांटिटी के हिसाब से उसके अंदर आपने ऑलिव ऑयल डालना है, और उसको आप मिक्स कर लें तो वो आपकी आयुली, गार्लिक आयुली बेसिकली तैयार हो जाएगी। तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, पता है उसका ये होता है कि वो बहुत लाइट होती है, तो अगर आप उसको मेयोनेज से कंपेयर करें, घर में बनानी बहुत आसान होती है, तो बहुत वो लाइट आपको। अच्छा, हमने क्रीम चीज़ लगा दी, उसमें बोलोगना का एक स्लाइस लगाया। ठीक है, हम एग इसके अंदर उतारेंगे और एक और बोलोगना का स्लाइस। ठीक है, और ये हमारा मफिन अपसाइड डाउन तैयार हो गया, क्योंकि वो हमारी जो जर्दी है वो नीचे की साइड पे हमने इसलिए रखी है ताकि वो ऊपर से जब टूटेगी तो वो बाहर लीक ना हो। अच्छा, दूसरा बर्गर हमारा तैयार हो गया। जी बिल्कुल, दूसरा हमारा जो है वो हो चुका है। अच्छा, इसके अंदर हम लोगों ने पहले से ही वो अपना डाली भी थी चिकन, तो इसमें हम लोग सिर्फ चीज स्लाइस डालेंगे। ठीक है, और अगेन जैसे कि अभी शेफ भी कह रहे हैं कि जो भी चीज़ आपके घर में मौजूद है या जो आपको ज्यादा पसंद है वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसमें एग था, इसको उन्होंने हल्के से सॉल्ट पेपर के साथ जो है वो विस्क किया था, एंड देयर यू गो, हमारे दोनों जो ब्रेकफास्ट बंस हैं यहाँ पे वो हो चुके हैं तैयार। और शेफ, मैं आपको ये देती हूँ, इसमें आप जो है उसको प्लेस कर दीजिए। ओ ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, इट्स रियली होलसम। इसमें अच्छा वाला फैट है, एक तो इसमें पटेटोज हैं, अंडे के थ्रू आपको प्रोटीन मिलता है, साथ साथ चीज़ में बहुत सारा प्रोटीन होता है, गुड फैट ऑल्सो। सो नाश्ता जो है ना वो आप एक प्रिंस की तरह करें, और ये बिल्कुल एक प्रिंस वाला ब्रेकफास्ट है, और मुझे लगता है शेफ के बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जी बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर सारी प्रोटीन्स, मतलब सारी न्यूट्रिशंस जो बच्चों को चाहिए ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि एग भी है, चीज भी है, और फिर पोटैटो बन भी है, तो वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं। अच्छा, इसको हम लोग कट करके, ठीक है, सर्व करेंगे। ये कट करके सर्व करेंगे, एंड वो जो हमने इसमें चिकन का बोलोगना का स्लाइस ऐड किया है, उसकी वजह से जो है ना बच्चे इसको खा भी लेंगे। जस्ट अ हिंट ऑफ चिकन, दैट उमामी फ्लेवर। ये देखें, ऊज हो गया है। ओहो, जबरदस्त जबरदस्त, यही चीज मैं करना चाह रहा था। हाँ, यही चीज आपने की है शेफ, आपका थोड़ा सा मैसी है, बट टेस्ट में बहुत जबरदस्त। नहीं बिल्कुल, एब्सोल्युटली, जब सनी साइड अप होती है तो मैसी तो वो होता है, बट पीपल लव इट, जिनको एग योक पसंद है। शेफ, आप बताइएगा कि अफगानिश के बारे में आप बता रहे थे अपने रेस्टोरेंट के बारे में, और आपने मुझे बताया था कि आपके पास एक टर्किश प्लेटर भी है, टर्किश नहीं सॉरी पर्शियन प्लेटर, यस पर्शियन प्लेटर भी है, ग्रिल चिकन वाला। और जब लोग वहाँ पे आएंगे तो आपके बेस्ट सेलर्स क्या क्या एंजॉय कर सकते हैं? कबाब मेरे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत लोग आते हैं कबाब खाने के लिए, क्योंकि हमारा जो कबाब का टेस्ट है वो देसी से थोड़ा डिफरेंट है। जो हम पाकिस्तानी हम लोग कबाब खाते हैं, उसके टेस्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है, और उसमें इन्फ्लुएंस है टर्किश कबाब्स का भी, उसमें इन्फ्लुएंस है पर्शियन और लेबनीज कबाब्स का भी, तो उसको थोड़ा सा हम लोगों ने मिक्स एंड ब्लेंड करके वो कबाब्स की रेसिपी बनाई हुई है, तो वो लोग काफ़ी लोग पसंद करते हैं, बट स्पाइसी नहीं है। स्पाइसी नहीं है, तो ये उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है जो कि बारबेक्यू खाना चाहते हैं लेकिन जिनको स्पाइसी ज़्यादा नहीं पसंद। सो वेल, आप जा सकते हैं अफगानिश पे। अफगानिश कहाँ पे है? अफगानिश छोटा बुखारी DHA फूड स्ट्रीट के ऊपर है, Phase 6 में। ठीक है, थैंक यू सो मच शेफ साद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। और इतना मैं यहाँ पे ज़रा इसको लेके आपको दिखाती हूँ, आप इसको ज़रा जूम कीजिए, मुँह में आपके पानी आएगा। अंडे ढूँढिए, और इसके साथ साथ जो है वो बाकी सारी चीज़ें तो घर पे होंगी, जल्दी से जो है ना वो आप बना लीजिए इसको, अपना नाश्ता एंजॉय कीजिए। ब्रेक के बाद हम आपसे करते हैं मुलाकात, और आपको दिखाते हैं पावर कपल जो हमारे साथ हैं, फुल फ्लेज्ड, दोनों काम भी करते हैं, 35 साल से आपस में मैरिड हैं, एंड दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी। कुछ टिप्स शेयर करेंगे वो आपके साथ एक अच्छे हैप्पी कपल होने से रिलेटेड। जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए।